ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम व उनके चचेरे भाई आलोक रंजन के विरुद्ध तैयार अस्थाई जब्ती रिपोर्ट में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोनों जेल में बंद हैं। जब्ती रिपोर्ट के अनुसार वीरेंद्र राम का बेटा आर्यन अंकुश स्कॉटलैंड में पढ़ता है। उसने अब तक 125 करोड़ रुपए विदेश में स्थानांतरित किया है। इसमें 20 लाख रुपए जमशेदपुर के मानगो निवासी महेंद्र गोप ने अंकुश के खाते में भेजा था। महेंद्र गोप मिसर्स लार्ड्स इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है, जिससे वीरेंद्र राम ने 2.5 करोड़ रुपए का ऋण लेने का दावा किया, जिसमें उसने 20 लाख रुपए जमा किया। ऋण की राशि नई दिल्ली के छतरपुर में संपत्ति खरीदने के लिए ली थी। अनुसंधान में इस बात का भी खुलासा हुआ कि महेंद्र गोप से वीरेंद्र राम टेंडर के बदले कमीशन वसूलता था। ईडी की छानबीन में पता चला है कि मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार उर्फ बबलू है। वर्ष 2015 के बाद इन दोनों कंपनियों को वीरेंद्र राम ने 62 करोड़ रुपए के 22 टेंडर दिए। इसके बदले में वीरेंद्र राम को कमीशन के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। राजेश कुमार ने वीरेंद्र राम को एक इनोवा फॉर्च्यूनर भेंट की थी। वीरेंद्र राम के आईफोन से राजेश कुमार के खास सहयोगी अनूप कुमार राय का 3 फरवरी 2020 का एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है, जिसमें 3 करोड़ रुपए के लेन देन का जिक्र है। अनूप कुमार राय से ईडी ने 5 से 7 अप्रैल तक पूछताछ की है, जिसमें उस व्हाट्सएप चैट के बारे में भी जानकारी ली है। अनूप कुमार राय ने ईडी को बताया है कि वह मेसर्स रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स में पार्टनर है, जो मैकेनिकल कार्य देखते हैं। उन्होंने भी 2 करोड़ रुपए के टेंडर के बदले में वीरेंद्र राम को 14 लाख रुपए कमीशन में दिया था। वीरेंद्र राम को 3 से लेकर 14% तक कमीशन देना पड़ता था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।